नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक को केमिकली जो है क्लासिफाई किया जाए तो इनमें से कौन सा रॉक केमिकली क्लासिफाइड होगा। तो इसमें जो सिलिसियस रॉक दिया है, आपको देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है सिलिसियस रॉक, जो आपका सिलिसियस रॉक है वो आपका क्या है, केमिकली क्लासिफाइड है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो स्ट्रेटिफाइड रॉक, फॉलिएटेड रॉक और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपके अन्य जो तीन ऑप्शन दिए हैं वो किसमें आते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन में, मतलब उनको लेयर्स के अनुसार उनकी बनावट कैसी है इस चीज पे आता है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा है, इन ए हाईवे एंड असेंडिंग ग्रेडियंट इज इतना एंड डिसेंडिंग ग्रेडियंट इज 180 डिटरमाइन द डेविएशन एंगल। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिया है तो आपको डेविएशन एंगल निकालना है। तो डेविएशन एंगल क्या होता है, डेविएशन एंगल जानते हैं क्या होता है, एन वन माइनस एन टू। ठीक है, सीधा एन वन आप जो है आपका क्या दिया है, एन वन आपका दिया है असेंडिंग में, असेंडिंग मतलब प्लस वन अपॉन हंड्रेड। ठीक है, और माइनस में क्या दिया है, डिसेंडिंग दिया है, डिसेंडिंग 1 in 80, तो माइनस हो जाएगा 1 in 80, कितना हो जाएगा, एन आपका हो जाएगा 1 in 100 प्लस 1 in 80। ठीक है, तो इसका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, सीधा करिए 100 × 80 प्लस 100, ठीक है 180/100 × 80, ठीक कट गया। वन इन 40 400/9, ठीक है कितना आएगा, ठीक है वही चीज 9/400 आ रहा है ऑप्शन में ही, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चाहे आप इसको 9 नीचे लाइए चाहे ऊपर ले जाइए, तो 9/400 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच इज द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग IS 6543। If the modulus of elasticity in bending it between 5.6 to 9.8 kilonewton per meter square। देखिए, bending में elasticity के अनुसार जो है आधार पर timber को तीन grades में बांटा गया है। ठीक है, bending में elasticity के आधार पर timber को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है grade A, ठीक है grade A, grade B और grade सी। ठीक है, तो ग्रेड ए में कौन सी आएगी आपकी, इसमें पूछा है 5.6 से 9.8, तो ग्रेड ए में आपकी कौन सी आएगी, जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेंडिंग में 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा होगी। ठीक है, जिस टिम्बर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेंडिंग में 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा होगी वो आपकी ग्रेड ए में आएगी। और ठीक है, जिसकी 12.5 से 9.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में होगी, ठीक है 12.5 से 9.8 कह सकते हैं, इसमें 9.5 या 9.8, ठीक है 9.8 के बीच में होगी तो क्या आएगा, ग्रेड बी। और जिसका 5.6 से 9.8 के बीच में है वो आपका ग्रेड सी में आएगी। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ, कौन सा पूछा है 5.6 से 9.8 के बीच में, तो थर्ड ऑप्शन आपका ग्रेड सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो टिम्बर को इलास्टिसिटी के आधार पर तीन भागों में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग है तो उसमें तीन आधार पर बांटा गया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड ए क्या होगा, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा है। ग्रेड बी में क्या हो गया, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान 12.5 से 9.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। और ग्रेड सी में क्या होगा, 5.6 से 9.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपका अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो कौन से ग्रेड में आएगा, ग्रेड सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू। तो हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन आपका जो है दोबारा पूछा गया, मतलब 23 को भी पूछा गया और 25 को भी पूछा गया। तो आईएस क्लासिफिकेशन के आधार पर इसको कैसा ग्रांडे साहब ने दिया था, ठीक है तो उसके एक्चुअली में आईएस का था, यूएस जो है क्लासिफिकेशन जो अमेरिका का था, तो बाद में जब उसको इंडिया वालों ने जो कैसा ग्रांडे साहब ने उसको अपने रूप में व्यक्त किया तो उसे आईएस क्लासिफिकेशन कहा जाने लगा। तो इसके आधार पर सॉइल को इन्होंने 18 ग्रुप्स में बांटे थे। ठीक है, तो कौन सा आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दिया है दीर्घित चयन, मतलब चयन की लंबाई अगर बड़ी हो गई है तो किसके द्वारा नहीं समायोजित किया जाता है। ठीक है, तो समायोजित किसके किसके द्वारा किया जाता है, इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है
कुछ रिंग्स को खींच कर देखते हैं आप, कुछ रिंग चपटी हो जाती है तो उनको खींच कर मतलब थोड़ा सा और गोल करके तो चैन की लंबाई को बढ़ा लिया जाता है। तीसरा देखिए, यदि संयोजक रिंग खोली गई है तो उन्हें बंद करके देखेंगे आप, कभी कभी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है तो क्या उसमें देखेंगे रिंग्स खुल जाती हैं, उन रिंग को दबा के बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपका सही है, मतलब सही कब है, जब समायोजित करने की बात होगी। टेढ़ी हो चुकी कड़ियों को सीधा करके, कड़ियां आपकी टेढ़ी हो जाती है तो उसको सीधा कर दिया जाता है, ठीक है। ये तीनों तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, रियलिटी में सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया कि समायोजित नहीं किया जा सकता तो आपका क्या, चैन को आप कभी गर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गर्म करके आप चैन को कभी नहीं सही करेंगे, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, Which of the following is an objective of aeration of water? जब aeration of water करते हैं आप, water का aeration करते हैं तो क्या होता है purpose? ठीक है, to dissolve the, to decrease the dissolved oxygen, जब आप aeration करेंगे तो उसमें oxygen और आएगा कि कम होगा, decrease होगा, पहला गलत हो गया। दूसरा क्या, to increase the carbon dioxide of water, जो है content of water, जो है water में हम carbon dioxide क्यों बढ़ाएंगे, क्यों उसकी toxicity हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये गलत है। थर्ड आपका, टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर फ्रॉम द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन जब किया जाता है तो उस समय क्या होता है कि जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो उनका ऑर्डर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिएशन करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एरिएशन क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात ऑर्डर एंड टेस्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, एरिएशन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि व्हाट इज द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फॉर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम फ्रॉम द टॉप एक्सट्रीम फाइबर एज पर IS 456-2000, ठीक है। ये आपका लिमिट स्टेट का क्वेश्चन है, लिमिट स्टेट का क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा गया है कि जो आपके पूछा है कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फॉर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम फ्रॉम द टॉप ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, टॉप ऑफ एक्सट्रीम फाइबर से आप जब करते हैं तो D-0.42 XU लिखते हैं, ठीक है, XU मतलब लिमिटिंग डेप्थ। तो ये क्या होता है आपका लीवर आर्म होता है, लीवर आर्म होता है किसमें, LSM में, ठीक है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए। तो यहां पे जो 0.42 XU है यही आपका क्या है, NA है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिफाइन द वन वेयर द सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड द सेक्शन, जब आप स्टील पढ़ते हैं, स्टील पढ़ते हैं तो जो एंगल सेक्शन आपका होता है, एंगल सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन जो आपका होता है, तो इसमें जो आप देखेंगे न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहीं यहां पे आती है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा, एंगल सेक्शन की बात की है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस किसमें बाहर होगी, एंगल सेक्शन में, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, वाटर में दो हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ये किसके कारण होती है, ठीक है, ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स तथा बाइकार्बोनेट्स के कारण, ठीक है। और अगर बात करें परमानेंट हार्डनेस की, परमानेंट हार्डनेस की, तो किसके कारण होती है ये, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के इसके जो है सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण, CHLORIDE क्लोराइड के कारण, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा कि टेम्परेरी हार्डनेस किसके, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के कारण आती है। तो कौन सा, फोर्थ ऑप्शन में देखिए आपको कार्बोनेट्स दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर एट द फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल पर आपका जो कवर्ड एरिया होता है क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया। जब आप प्लिंथ एरिया एस्टीमेट यानी अप्रोक्सीमेट जो है एस्टीमेट करते हैं तो क्या प्लिंथ एरिया क्या होता है, कवर्ड एरिया लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कार्पेट एरिया क्या होता है कि वह एरिया जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि कार्पेट बिछा सकते हैं, बस सीधा सिंपल समझिए, जैसे कमरा का एरिया हो गया तो उसमें आप कार्पेट बिछा सकते हैं, ठीक है, बाथरूम में थोड़ी बिछाने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है। एक होता है सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन एरिया का मतलब गलियारा आप समझते हैं ना, जो घर में गलियार होते हैं मतलब आने जाने आवागमन के लिए जो एरिया यूज किया जाता है उसे सर्कुलेशन एरिया कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइजन रेशियो फॉर रबर, रबर आपका जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, तो ब्रिटल मटेरियल का पॉइजन रेशियो देखेंगे तो 0.5 के करीब होता है, 0.5 के आसपास होता है। तो यही पहला ऑप्शन में जो दिया है आपका 0.45 से 0.5, तो यही आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप, 0.5, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन एडॉप्टेड फॉर द फ्लोर ऑफ सिंगल एंड डबल स्टोरी बिल्डिंग। सिंगल और डबल स्टोरी बिल्डिंग के लिए फ्लोर का कौन सा स्पेसिफिकेशन आप यूज करेंगे? तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए 38 mm थिक सीमेंट कंक्रीट, M20 ग्रेड का जो है, M15 ग्रेड का 38 mm मोटा थिक जो है लेंगे और 11.5 सेंटीमीटर थिक का होगा, ठीक है। ये आपका सिंगल स्टोरी के लिए होगा 38 mm मोटा, M15 के लिए। अगर डबल स्टोरी के लिए क्या करेंगे तो 1/5-10 का यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज आपका, तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही, ये आपका बिल्डिंग कोड में दिया हुआ है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेट टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो है आपकी कोई बॉडी अगर आपकी फ्लोट कर रही है और वो इक्विलिब्रियम में क्या होगी, ठीक है। तो देखिए मेटा एक होती है मेटासेंट्रिक, जो मेटा सेंटर होता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक सेंटर ऑफ बायोंसी। सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होती है कि जब किसी बॉडी को, मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी को लिक्विड में डुबोया गया इतने पोर्शन को, तो इस बॉडी के द्वारा जो लिक्विड हटाया गया उस लिक्विड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर ऑफ बायोंसी कहलाता है। मतलब किसी बॉडी द्वारा हटाए गए लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कराता है, सेंटर ऑफ बायोंसी। मान लीजिए यहाँ पे है बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे है, और ये बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रिवोल्ट कर जो है क्या करती है आपकी, मान लीजिए आपकी ये है एक्सिस और ये पॉइंट है, इसके अबाउट ये जो है ऑक्सीलेट करती है इस पॉइंट के अबाउट, तो आपका मेटा सेंटर कराता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कराता है, सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है। तो स्टेबल में कब होगा, जब आपकी मेटासेंट्रिक हाइट जो है पॉजिटिव होगी, मतलब मेटा सेंटर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा। तो कौन सा, इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज ए पॉजिटिव वैल्यू, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तब ये इक्विलिब्रियम में होगा, कब, कौन से, स्टेबल में। अगर मेटासेंट्रिक हाइट जीरो हो जाए, मतलब एम जी पर आ जाए, तो न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर एम जी से नीचे चला जाए तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है आपका किसमें, बायोंसी एंड फ्लोटेशन चैप्टर है आपका हाइड्रोलिक्स में, उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस ई, यंग बट मॉडुलस के, यंग मॉडुलस ई एंड पॉइजंस रेशियो 1/m। देखिए पॉइजंस रेशियो होता है म्यू, जिसे m बाय m, m क्या है आपका मॉडुलर रेशियो होता है, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। तो हमने पढ़ा है e बराबर 3k 1 - 2 μ, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब e तो वही है, 3k वही है, यहाँ पे 2/m कर दिया गया है। अब आपको निकालना किसके, k के वैल्यू में निकालना है, तो e बराबर 3k/m m-2, ठीक है। k देखो m into e अपॉन m-2/3 = k, देखिए दिया है कहीं, k बराबर m e/3 m-2, यानी आपका थर्ड ऑप्शन दिया है, यही सही हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट वैल्यू ना देके घुमा फिरा देती है, तो इसको आप याद करने से बजाय एक फॉर्मूला याद करिए, उसी से निकाल लीजिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग थ्योरी की क्या है जो है एजम्पशन, जो प्लेन पहले जो है प्लेन था, समतल था, वो बाद में भी समतल होगा, जो है आपकी क्या स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होती है, रेट जो है न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो आपका क्रॉस सेक्शनल पहले प्लेन था वही प्लेन होगा, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस कभी की लंबाई जो है हमेशा बराबर होगी, यही सब आपके एजम्पशन है। तो इसमें कौन सा, बीम इज इन इक्विलिब्रियम, हमेशा साम्यावस्था में होगी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका देखिए, बीम इज यंग मॉडुलस वेरीज, यंग मॉडुलस कभी आपका वेरीज नहीं करेगा, सिंपल बेंडिंग में होता है, ठीक है। ये गलत दिया है, बीम मटेरियल विद इन इलास्टिक डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, ये भी गलत है, ये तो कहते हैं मानता है बेंडिंग जो है आपका, कहता है मानता है, ये कह रहा नहीं मानता, ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, बीम इज इन इक्विलिब्रियम, तो यानी फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कॉमन स्केल एडॉप्टेड फ्रॉम ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट मैप। अगर आप फॉरेस्ट मैप बना रहे हैं तो वहां पे आरएफ के लिए कौन सा आरएफ आप लेंगे, इसके लिए फॉरेस्ट मैप के लिए, फॉरेस्ट मैप के लिए आप कौन सा आरएफ लेंगे, तो देखिए जो फॉरेस्ट मैप के लिए आरएफ लिया जाता है, फॉरेस्ट मैप बनाएंगे तो 1:25 जान लेंगे आप, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें वही टाउन प्लानिंग की, मतलब टाउन की, टाउन मैप आप बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1:10,000, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका जो दिया है। अगर क्रॉस सेक्शन लेबलिंग करते हैं ना आप रोड के लिए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल मैप बना रहे हैं आप, तो उसमें क्या लिया जाएगा, 1:100 से 1:200 लिया जाता है, ठीक है,
ये चीज होता है। ये आपका कौन हो गया, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी इसमें कौन सा सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ फॉर अ कॉलम विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री। तो L इफेक्टिव बराबर 2L हो जाएगा, हम इसको दो बार बता चुके हैं, इस बार आपको नहीं बताएंगे। इस बार आप क्या करिए, हमारे पिछले वीडियोस को देखिए जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, इसमें लगभग सारे क्वेश्चन अब आपको कराए हुए मिलेंगे और अच्छे से डिफाइन किया हुआ, ठीक है। तो इरिगेशन भी पढ़िए आप, सवाल भी पढ़िए, सर्वे पढ़िए, जितने क्लासेस चल रही है सबको पढ़िए, आपके कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया 3.5 से 9%, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3.5% से 9% आपका क्या होता है बताइए, सीमेंट में क्या होता है, जो आपकी एल्यूमिना होती है, एल्यूमिना होती है। दूसरा दिया 17 से 25%, ये आपकी क्या होती है, सिलिका, ठीक है। अगला दिया आपका 60 से 65%, तो क्या होता है, ये आपका लाइम। और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है 1 से 3% तक आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, तो कौन सा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इफ द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज मोर देन 8.5 देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरामाइन। देखिए जब पानी में आप देखते हैं तो जब NH3 जो है उपलब्ध होता है तो क्या होता है, क्लोरामाइन बनता है। तो कौन से वैल्यू पर कौन सा क्लोरामाइन, जो है पीएच वैल्यू कितना होगी तो कौन सा क्लोरामाइन इफेक्टिव होगा, जब पीएच वैल्यू आपकी 7.5 से ज्यादा होती है, जब पीएच वैल्यू आपकी 7.5 से ज्यादा होती है तो कौन सा क्लोरामाइन आता है, केवल मोनोक्लोरामाइन, ओनली मोनोक्लोरामाइन, ठीक है। तो ये आपका पहला जो है सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 8.5 से ज्यादा पूछा है तो 7.5 से ज्यादा 8.5 भी तो हुआ। अगला दिया है आपका, अगर 4.5 से कम है पीएच की मान, 4.5 से कम मतलब 4.4 से कम है तो ओनली ट्राइक्लोरामाइन, ठीक है, ट्राइक्लोरामाइन, ठीक है। अगर यही बात करें, अगर पीएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू 5 से ज्यादा है और 6.5 से कम है तो कौन सा होगा, ओनली डाइक्लोरामाइन, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, पूछता है 7.5 से ज्यादा है तो मोनोक्लोरामाइन, 4.4 से कम है तो ट्राइक्लोरामाइन, 5 से 6.5 के बीच में है, ये 6.5 है, 0.65 नहीं, 6.5 है ना, 6.5 के बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा, ओनली डाइक्लोरामाइन, ठीक। ये चीजें आपकी हो गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि दिया पेंट में संवाहक, संवाहक का मतलब होता है व्हीकल, व्हीकल के रूप में इनमें से क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन देखिए क्या क्या है, रेड लेड दिया है और व्हाइट लेड दिया है ना, रेड लेड और व्हाइट लेड आपका बेस होता है, क्या होता है, बेस। और जो आपका टर्पेंटाइन ऑयल होता है ये थिनर होता है, और आपका जो टंग ऑयल होता है, तुंग का तेल जिसे आप कहते हैं, उसे क्या है, वो आपका व्हीकल का कार्य करता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द डेल्टा ऑफ अ क्रॉप व्हेन इट्स ड्यूटीज इतना एंड ऑन द फील्ड बेस पीरियड दिया है, पर ड्यूटी और बेस पीरियड दिया है, तो डेल्टा बराबर क्या होता है, 8.64 b/d। तो डेल्टा का मान निकालना है, 8.64 b आपका 120 डेज दिया है, दिनों में रखा भी जाता है, डी आपका क्या है, 864 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक दिया है, ठीक है। तो डेल्टा आप निकाल लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, यहां से हटेगा ये आपका 100 आ जाएगा, यानी 1.2 मीटर, कितना, 1.2 मीटर, 120 सेंटीमीटर इसमें दिया है, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कार्बन इन पिग आयरन, पिग आयरन में जो कार्बन का कंटेंट होता है कितना होता है, 3 से 4%, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 से 4%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट विल बी द एंड मूवमेंट ऑफ अ फिक्स्ड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ L। देखिए जब आप फिक्स्ड बीम की बात करते हैं तो जो आपका एंड मूवमेंट आता है जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहता है, तो क्या होता है, WL²/12। अब आपसे क्वेश्चन है, अगर पॉइंट लोड लगा है तो तब एंड मूवमेंट कितना होगा फिक्स्ड बीम में, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। WL²/12 होता है एंड मूवमेंट कब, जब UDL लगा होता है। अब आपसे क्वेश्चन है कि एंड मूवमेंट तब कब होगा, कितना होगा, जब आपका पॉइंट लोड लगा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टाइल ड्रेनेज, टाइल ड्रेनेज का एडवांटेज क्या होता है, जब आपके क्षेत्र में जो है वाटर लॉगिंग हो जाती है
तो वाटर लॉगिंग को रिमूव करने का एक और तरीका होता है कि वहां के पानी को आप बाहर निकाल दीजिए। तो पानी को बाहर निकालने के लिए क्या करता है, रूट जोन द्वैत में पौधों के जो है टाइल ड्रेन ड्रेन्स बिछाई जाती हैं, उन ड्रेन्स को क्या कहते हैं, टाइल ड्रेन्स कहते हैं ठीक है। तो टाइल ड्रेन्स क्या होता है, रिमूव द फ्री ग्रेविटी वाटर दैट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट, मतलब प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली और दूसरा आपके प्लांट को नुकसान भी कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रिमूव ऑफ ग्रेविटी वाटर, ग्रेविटी वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड इनंडेशन इरिगेशन। मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है 25 वाले में कराया था, इनंडेशन इरिगेशन क्या कहलाता है, फ्लो इरिगेशन जो आपका होता है फोर्थ ऑप्शन वही सही हो जाएगा। फ्लो इरिगेशन मतलब इनंडेशन मतलब होता है बाढ़, फ्लो में क्या किया जाता है, पानी को फ्रीली छोड़ दिया जाता है, तो ये आपका क्या इनंडेशन इरिगेशन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिया है एक ओपन टैंक दिया है, ठीक है। टैंक में कुछ ऊंचाई तक जो है कोई वाल भरा है, कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है, तो बॉटम पर आपको प्रेशर याद करना है, ठीक है। ये आपका टैंक हो गया, ये आपका टैंक है, ठीक है। टैंक में क्या कहा है कि एंड टैंक कंटेन 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कवर्ड विद 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और वाटर आपका कितना 60 सेंटीमीटर तक भरा है, 60 सेंटीमीटर तक, ऊपर 30 सेंटीमीटर तक आपका क्या है ऑयल, 0.8 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यस आप इसकी जानते हैं 1 होती है। तो यहां पे आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है। प्रेशर आपका क्या होता है, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर आपका बॉटम क्या हो, रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू, ठीक है। तो रो जी मतलब 1000 गुणे 9.81 गुणे 0.8 30 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में रखें 0.3 प्लस 1009.81 एच टू 0.6, उसको मल्टीप्लाई करके निकालिए आप कितना आएगा 0.8 इंटू 0.3 प्लस 0.6 इंटू 1000 इंटू 9.81 लिखा है 82.40.4 इतना 82.40.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। समझ में आया ना, देखिए रो जी एच क्या होता है, रो जी एच आपका प्रेशर होता है, रो और जी और एस यहां पे देखिए इसका डेंसिटी कितना होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा कि इसमें आप वाटर की डेंसिटी से गुणा कर दें, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका क्या होता है, किसी भी लिक्विड की का डेंसिटी, मान लीजिए लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, वाटर की डेंसिटी से आप क्या करिए जो है भाग दे दीजिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, लिक्विड की डेंसिटी निकाल लिए तो क्या करेंगे, वाटर की डेंसिटी से गुणा कर देंगे। तो वही हमने यहां किया 1000 × 0.8, इसको हमको 9.81 से पहले लिखना चाहिए था, यही हमने किया 1000 × 0.8 इसकी लिक्विड की डेंसिटी निकाल ली, 9.81 से गुणा कर दिया, ठीक। तो ये चीज है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील रॉड 20 mm डायमीटर इज यूज्ड एज अ टाई मेंबर इन द रूफ ब्रेसिंग एंड मे बी सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड। देखिए जब विंड लोड के कारण रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस आता है टेंशन मेंबर में, तो हमने आपको बताया था स्लेंडरनेस रेशियो कितना लिया जाता है 350, ठीक है। अगर केवल नॉर्मल डेड और लाइव लोड के कारण आता है तो 180 लिया जाता है, लेकिन विंड और अर्थक्वेक लोड के कारण आता है तो कितना 350। तो इसके लिए आपका स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। इसमें आपको लेंथ पूछा है जबकि डायमीटर दिया है 20 mm, ठीक है। तो आपको पता है जो के मिनिमम लिया जाता है सर्कुलर के लिए D/4 होता है, यानी 20/4 यानी 5 mm हो गया आपका, और लैम्डा बराबर क्या होता है एल इफेक्टिव अपॉन के मिनिमम, ठीक है। के आपका क्या होता है रेडियस ऑफ क्या कहते हैं उसको रेडियस ऑफ जायरेशन, तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका लैम्डा 350 गुणे के मिनिमम 5, तो कितना हो जाएगा 1750 mm आंसर आ जाएगा, कौन सा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हेन कंपेयर्ड विद ओपन कैजन फ्लोटिंग कैजन, देखिए कैजन क्या होता है, एक आपने सुना होगा कॉफर डैम, क्या होता है जब डैम बनाया जाता है तो पानी को रोकने के लिए स्टील के एक टेम्परेरी डैम खड़े कर दिया जाता है, उसके बाद बीच के पानी को सक करके निकाल लिया जाता है, तो वही उसी प्रकार का जो है कैसन होता है जो बेल फाउंडेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कैसन होता है एक होता है कैसन ओपन कैसन एक फ्लोटिंग, तो ओपन वाला जो होता है वो आपका लेस जो है लेस क्या कहते हैं लेस एक्सपेंसिव कह सकते हैं क्योंकि डेप्थ इसकी कम होती है, ठीक है। तो लेस एक्सपेंसिव वाला सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द ऑटोक्लेव टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन, देखिए जब आपके
सीमेंट में फ्री लाइम होता है, तो आप लीच एटेलियर एपरेटस से जो है फ्री लाइम की मात्रा ज्ञात करते हैं। लेकिन फ्री मैग्नीशिया, जो आपकी फ्री मैग्नीशिया होती है, ठीक है, फ्री मैग्नीशिया के कारण भी प्रसार होता है, तो फ्री मैग्नीशिया को ज्ञात करने के लिए हम ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक्सपेंशन भी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। ऑटोक्लेव मेथड भी आपका एक्सपेंशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है, लेकिन फ्री लाइम के कारण एक्सपेंशन नहीं, जो आपका फ्री मैग्नीशिया होगा उसके कारण जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, कौन सा, ऑटोक्लेव मेथड। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्टिजेंसीज। कॉन्टिजेंसीज का मतलब क्या होता है, फुटकर कार्य। फुटकर कार्य का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका कोई काम जो है एक काम से दूसरे काम की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे जो फुटकर वर्क लगेगा, पैसा लगेगा, उसको भी जो है आप क्या करते हैं, आफ्टर एस्टिमेशन जिसको ऐड किया जाता है, जो कंटिजेंसी आपका होती है वो आपकी 3-5% तक ली जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन देखिए सही है, क्या, द री अलॉटमेंट ऑफ द फंड फ्रॉम वन वर्क टू अनदर वर्क इन द सेम डिवीजन। एक ही डिवीजन में एक वर्क से दूसरे वर्क के लिए जो ट्रांसफर करने के लिए जो खर्चा होता है वही आपका क्या कहलाता है, कंटिजेंसीज। ये आपका कितना होता है, 3-5% लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिजिड मटेरियल व्हेन चेकिंग द डैम्पनेस ऑफ मटेरियल। यार रिजिड मटेरियल क्या होता है, आप देखें जब आप रोड बनाते हैं तो फ्लेक्सिबल कहते हैं, जब आपके कंक्रीट जो है बिटुमिन का रोड होता है, तो इसमें तीनों ऑप्शन, तो मास्टिक एस्फाल्ट, बिटुमिन फेल्स और सीट, ये तीनों आपके तो बिटुमिन के टाइप हो गए। सीट उसमें जो है मिनरल्स मिला दिए जाते हैं, एस्फाल्ट में क्या होता है कि रोडिया मिनरल्स मिला दिए जाती है, ठीक है, तो वही चीज बिटुमिन हो गया। तो ऊपर के तीनों तो फ्लेक्सिबल मटेरियल है, फोर्थ वाला आपका सीमेंट कॉन्क्रीट वही रिजिड मटेरियल है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ISR, मतलब व्हाट शुड बी द, यार ये कवर फुटिंग का पूछा है, फुटिंग का कवर हम आपको कई बार बता चुके हैं कितना, 50 mm, तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही। आप हमारे पिछले लेक्चर्स को जरूर देखिए, बहुत जो है काफी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, सेडिमेंटरी रॉक का सैंडस्टोन जो है आपका, सैंडस्टोन आपका क्या है, सेडिमेंटरी रॉक, पहला फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वार्टजाइट क्या है आपका, इग्नियस रॉक आपका क्वार्टजाइट है, ग्रेनाइट भी है, मार्बल आपका क्या है, मेटामॉर्फिक, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टनल लॉसेस इन मैनिंग रफोसिटी कॉफिशियंट यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ हेड लॉस। फ्रिक्शन हेड लॉस आपने जो है मैनिंग कॉफिशियंट वाले जो मैनिंग का फॉर्मूला है, रफोसिटी फैक्टर जिसमें यूज किया था, रफोसिटी कॉफिशियंट v बराबर 1/n r^2/3 s^1/2, तो ये आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल हेड लॉस के लिए आपका यूज होता है, इसमें जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 1/n, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ रोडवे कॉन्टिग्यूस विद द ट्रेवल्ड वे एंड इट इज इंटेंडेड फॉर रिकमेंडेशन टू स्टॉप द व्हीकल इज कॉल्ड। देखिए शोल्डर जो आपका होता है रोड के किनारे का जो पार्ट होता है, ये आपकी रोड है मेन, इसके किनारे दो पार्ट बनाए जाते हैं, इसमें गाड़ियां आप खड़ी भी कर सकते हैं, दूसरा अगर सिंगल लेन रोड है आपकी, इधर से कोई गाड़ी आ गई, इधर से आ गई, तो एक गाड़ी का एक पहिया इस पे उतार के, इसकी गाड़ी के एक पहिया उतार के आप ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है, तो शोल्डर का इतना काम होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाए। पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए भी इसका यूज किया जाता है, IRC के अनुसार 2.5 meter से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं कहीं 1.5 meter भी यूज किया जाता है, ठीक। अब करते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इंप्योरिटीज फ्रॉम सस्पेंडिंग फ्लूइड बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। हमने आपको बताया था सेडिमेंटेशन में क्या होता है, केवल नेचुरल फोर्स काम करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन में, लेकिन जब आप फ्लॉकुलेटिंग एजेंट मिला देते हैं तो उसमें फ्लॉक बन जाता है, ठीक है, तो आपका वो दूसरा चीज वो आपका कोआगुलेशन कहलाता है, तो प्लेन सेडिमेंटेशन थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेचुरल फोर्सेस की बात किया तो प्लेन सेडिमेंटेशन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू IS 10/262/1980 व्हाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC ग्रेड सी। देखिए ग्रेड के अनुसार जो है सीमेंट ओपीसी सीमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, ABCDEF, ठीक है, ग्रेड, ठीक है जी, ग्रेड ABCDEF ये होता है 32.5 से 37.5, ठीक है, ये होता है 37.5 से 42.5, ये होता है 42.5 से 47.5, ये होता है 47.5 से 52.5, 52.5 से 57.5, 57.5 से
62.5 ये आपके ओपीसी के ग्रेड हो गए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें पूछा कितना है, 47 कितना पूछा ग्रेड सी के लिए, ग्रेड सी के लिए कितना होगा 42 से 47। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आप देखिए 42 से 47.5 सही हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके ग्रेड हो गए ओपीसी के, इसको याद कर लीजिए, इस बार एसएससी में पूछा गया था और ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है ऑन अ रफ टेरेन व्हाट द अचीवेबल एक्यूरेसी ऑफ चैन अंडर कंडक्टिव कंडीशंस, ठीक है। तो अगर आपकी बात हुई रफ टेरेन की बात की है, तो रफ टेरेन के लिए आप कितना यूज करते हैं, जो कितना एक्यूरेसी होती है, जो अचीवेबल होती है, मतलब आप अचीव कर सकते हैं, तो 1/250 होती है रफ टेरेन के लिए, ठीक है। अगर बात करें हम आपके ऑर्डिनरी आप चैन सर्वे कर रहे हैं तो 1/1000 होगा, लेकिन आप मीट्रिक जो है आप क्या करते हैं, उससे कौन सी चैन होती है आपकी, स्टील या स्टील जो है टेप या स्टील बैंड से आप सर्वे कर रहे हैं चैन सर्वे। चैन सर्वे का मतलब कि भाई अगर आप स्टील टेप और स्टील बैंड से आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा 1/2000 एक्यूरेसी, ठीक। तो ये आप जो है नोट कर लीजिए। अगला बात करते हैं हम, द फ्लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। तो स्लो सैंड फिल्टर में जो आपका फ्लो रेट होता है 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपका रैपिड की बात करेगा तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सब बेस लेयर इन पेवमेंट, ठीक है। तो पेवमेंट का जो सब बेस लेयर होता है, पहला ऑप्शन देखिए, टू मिनिमाइज या स्मूथ एंड यूनिफॉर्म सरफेस फॉर राइडिंग, ये आपका ऊपरी पेवमेंट जो सरफेस फिनिशिंग होता है या आपका बियरिंग कोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। दूसरा, टू प्रोवाइड स्किड रेजिस्टेंस, ये आपका सरफेस फिनिशिंग प्रोवाइड करता है, ये भी नहीं होगा। टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट एक्शन, और फोर्थ क्या है, टू रेजिस्ट द एब्रेसिव फोर्स ऑफ ट्रैफिक। तो एब्रेसिव फोर्स आपका ऊपर वाली लेयर ही जो है करती है। तो कौन सा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्या, टू मिनिमाइज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट एक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मो स्केल पे जो है टॉपेज का पूछा है, तो टॉपेज आपका कितना होता है, टॉपेज का कितना होता है 8। टॉप जो मो स्केल होता है वो हार्डनेस बताता है, टॉपेज का आपका कितना है 8 होता है, डायमंड का कितना होता है, डायमंड का कितना होता है 10, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, टाक का 1, जिप्सम का 2, कैल्साइट का 3, ऐसे होता है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जब आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाया जाएगा तो उसको पूरा अच्छे से बताएंगे। एज पर आईएएस 2185 पार्ट 1 2005, व्हाट इज द मैक्सिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर ओपन एंड क्लोज कैविटी लोड बियरिंग मैसनरी यूनिट्स। देखिए, जो आपकी मैसनरी वॉल्स होती है, मैसनरी दीवार बनाई जाती है, उसमें जो आपका होता है 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ आपकी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। तो थर्ड ऑप्शन आपका देखिए, जो मैं इसमें जो मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी, 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। डिवीजन ऑफ द इंडियन रोड इनटू 4 क्लासेस एज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड वाज प्रपोज्ड बाय आईआरसी, जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी। तो वही ये सब करता है, ठीक है, उसी ने दिया था। तो कौन सा सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंडियन रोड कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, द बर्नौली इक्वेशन रिफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कौन सा ऑप्शन इसमें पूछा है, बर्नौली पूछा, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट फ्लोर एरिया रेशियो, जो फ्लोर एरिया रेशियो होता है आपका, ये रेशियो होता है पूरे प्लॉट एरिया को नीचे कर देंगे और उसमें से कितने एरिया पे आपका जो है बिल्डिंग बनाया जाता है, कवर्ड एरिया, ठीक है, कवर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा, फ्लोर एरिया रेशियो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछा है, तो कितना हो, क्या होता है, पास्कल इनटू सेकंड, पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, इसे आप क्या कहते हैं, पॉइज़ली, ठीक है। तो ये आपका कौन सा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इससे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, तो हमारा ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। तो आपका एसएससी जी 2018 का जितना भी सेट था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, सारे क्वेश्चन उसमें से हो गए। हमने जो कोशिश की अच्छे से आपको समझाने के, आपको समझ में आया कि नहीं आप जरूर बताइए, और हम अगले लेक्चर से आपको 2017 के पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है, एसएससी जी के आए हुए, ठीक। तो आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो आप भेजा करिए टेलीग्राम पे, हम आपको अगली क्लास में बताएंगे या फिर उसी समय आपको जवाब देंगे उसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक।